व्यायाम का 100% लाभ प्राप्त हो इसके लिए 3 मुख्य तत्व शामिल होने चाहिए। पहला कि व्यायाम ठीक प्रकार से करना आना चाहिए, और दूसरा व्यायाम करते समय मन की एकाग्रता और इच्छा शक्ति का प्रयोग, और तीसरा मुख्य तत्व यह है कि व्यायाम करते समय वायु को किस प्रकार से ग्रहण किया जा रहा है। इन तीनों तत्वों का समावेश होने पर व्यायाम का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। यूजीन सैंडो ही क्यों बल्कि और भी शक्तिशाली पुरुष हैं जो इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि व्यायाम करते समय सांस लेने की विधि ठीक ही होनी चाहिए, शरीर का विकास ठीक प्रकार से हो और शरीर की मांसपेशियां शक्तिशाली बने, शरीर के भीतर के सभी अंग अपने अच्छी अवस्था में कार्य करें। इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यायाम करना और व्यायाम करते समय सांस को ठीक प्रकार से ग्रहण करना अति आवश्यक है। मैंने और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्गमैन की बायोग्राफी पढ़ी है, उन्होंने तो अपनी पुस्तकों में एक अध्याय तो इसी पर लिख दिया है कि व्यायाम में सांस किस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए, सांस का फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन स्ट्रॉन्गमैन ने सांस को बड़ी ही अच्छी तरह से परिभाषित किया है। अभी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हुए भी मैं गहरी सांस लेने का अभ्यास कर रहा हूँ। मित्रों, मेरा शुरू से ही यह स्वभाव रहा है कि लोगों को वही जानकारी दी जानी चाहिए जिसको आप स्वयं करते हो, जिसका पूर्ण अनुभव आपको ज्ञात हो। जो चीज़ आपने कभी अनुभव ही नहीं करी उसको लोगों को बताने से क्या लाभ। मित्रों, मैं यहाँ आपको एकदम सही जानकारी और व्यायाम की सही विधि ही बताऊंगा, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहना। मित्रों, मैंने प्राणायाम की अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया है, इसी के आधार पर मैं आपको ठीक प्रकार से सांस लेने के महत्व को बताने जा रहा हूँ। उपरोक्त जानकारी पंडित राम शर्मा द्वारा रचित पुस्तक के आधार पर दी जा रही है। सांस लेने की प्रारंभिक शिक्षा यह है कि हमें पूरी और गहरी सांस लेनी चाहिए। यदि यह सांस पूरी तौर पर फेफड़ों में ना गई हो तो फेफड़ों का एक भाग बिल्कुल ही बेकार पड़ा रहता है। फेफड़ों के जिस भाग में वायु का अभिगमन नहीं हो पाता है उसमें जुकाम, खांसी, क्षय, दमा आदि के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। भरपूर सांस लेने से फेफड़ों के सभी वायु कोटर हवा से भर जाते हैं। यह हवा अपनी ऑक्सीजन रक्त में छोड़ देती है और दूषित पदार्थ को चूस कर बाहर निकाल देती है। यह ऑक्सीजन तत्व खून के साथ मिलकर सारे शरीर का दौरा करता है, जिससे शक्ति, स्वास्थ्य, आरोग्य स्थिर बना रहता है। शुद्ध खून का 1/4 भाग ऑक्सीजन ही होता है। इस मात्रा में यदि कमी पड़ जाए तो इसका पाचन प्रणाली पर प्रभाव हानिकारक होता है और जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है। यह स्पष्ट है कि दूषित पदार्थ निकालने, रक्त में ऑक्सीजन का पर्याप्त मिश्रण करने, पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए गहरी सांस लेना अनिवार्य है। मित्रों, अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, आप इसको समझने का प्रयास करना। यदि बॉयलर की पुरानी राख निकाली ना जाए तो भाप बनना बंद हो जाती है और इससे इंजन का काम भी रुक जाता है। हमारे फेफड़े ठीक बॉयलर का काम करते हैं, इसमें इंजन अर्थात हृदय की क्रिया प्रमाणित होती है। दूषित मल विकार जो रक्त के साथ हृदय से फेफड़ों में पहुंचाया जाता है उसकी पूरी व गहरी सांस द्वारा सफाई ना कर दी जाए तो अशुद्ध रक्त हृदय को लौट आता है। यह गंदगी धमनियों द्वारा शरीर में फैल जाती है और बीमारी, रोग और दुर्बलता के रूप में फूट पड़ती है। किंतु पूरी सांस का अभ्यास डाल दें तो इससे छाती चौड़ी हो जाती है, फेफड़े मजबूत होते हैं और वजन भी बढ़ता है। शुद्ध रक्त संचार से हृदय की दुर्बलता दूर होने लगती है, इसलिए गहरी सांस लेने का अभ्यास बना लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि साधारण सांस की
अपेक्षा 8 गुना ऑक्सीजन ली जा सकती है। इससे फिर लाभ भी अधिक ही प्राप्त होता है। जो लाभ अधिक से अधिक सांस को फेफड़ों में पहुंचाने से होता है वह किसी भी दवाई के सेवन से प्राप्त नहीं होता है। सांस नाक से ही लेनी चाहिए। नासिका से सांस फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते समान तापमान वाली हो जाती है जो शरीर के लिए लाभदायक होती है। इसलिए नासिका द्वारा ही सांस लेनी चाहिए। इससे रक्त शुद्ध होने में कोई बाधा नहीं पड़ती है। गहरी सांस लेने से चित्त की एकाग्रता, स्थिरता, दृढ़ता और मानसिक गुणों का भी विकास होता है। आगे चलकर प्राणायाम से प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और इनका स्वास्थ्य पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है, जिसे एक प्रकार से चमत्कार ही माना जाता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि गहरी सांस का कितना अधिक महत्व है। हमारा भारत शुरू से ही विश्व गुरु रहा है, जहाँ के ऋषि मुनियों ने प्राणायाम के ज्ञान को उजागर किया। प्राणायाम की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। इसके इतने लाभ हैं कि बताना भी कठिन है। मैंने स्वयं अनुभव किया है, कभी विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा। मित्रों, कहीं आपके मन में यह विचार तो नहीं आ रहा है कि प्राणायाम से कुछ भी नहीं होता है। ना जाने कितने लोग प्राणायाम करते हैं परंतु किसी के भी लाभ से पूर्ण संतुष्टि जैसी बात नहीं निकल कर आती है। मुझे लगता है आपके भीतर भी यही द्वंद्व चल रहा होगा। इसके लिए मित्रों, मैं आपको बता दूं कि प्राणायाम का लाभ ना मिल पाने की अनेक वजह हैं, जिस वजह से प्राणायाम का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ। मित्रों, यदि आप चाहोगे तो मैं प्राणायाम की पूरी सीरीज बनाऊंगा, जहाँ आप प्रारंभ से लेकर लाभ प्राप्त करने तक का सफ़र पूरा करेंगे। मित्रों, मेरा स्वभाव शुरू से ही रहा है कि किसी भी विषय को एकदम विस्तार सहित ही बताया जाए, वरना मैं भी सिर्फ 2 वीडियो बनाकर यूजीन सैंडो के जीवन को समाप्त कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर जो भी कहूँगा संपूर्ण रूप से ही कहूँगा, ताकि सुनने वाला एकदम ठीक प्रकार से समझ सके। तो आप प्राणायाम की सीरीज के बारे में ज़रूर कमेंट करना। मित्रों, आगे पंडित राम शर्मा गहरी सांस के बारे में और भी कहते हैं। गहरी सांस लेने का लाभ यह है कि फेफड़ों को जल्दबाजी की भगदड़ से थोड़ी राहत मिलती है और वह उस अवकाश का प्रयोग रक्त को अधिक शुद्ध करने में कर सकता है। इससे हृदय पर कम बोझ पड़ेगा और वह अधिक निरोग रहेगा। गहरी सांस लेना फेफड़ों को ही नहीं पेट के पाचन तंत्र को भी परिपुष्ट करता है। रक्त शुद्धि की दृष्टि से गहरी सांस सबसे बड़ी दवा मानी जाती है।